एक छोटा सा वीडियो है आपका, किधर का भी ग्रीस अगर पास नहीं होता, कोई भी बुश हो आपका, चाहे वो कोई भी हो, आज के वीडियो में इधर फ्रंट एक्सल का नीचे का बुश यहाँ ग्रीस नहीं हो रहा, अगर आप खर्चा बचाना चाहते हैं, जो आगे का खर्चा है, बाद में बुश जाएगा, पीओट पिन जाएगा, ये सब आपका जो खर्चा है बढ़ जाएगा, इससे अच्छा आप तुरंत जैसे ही ग्रीस होना बंद होता है, सबसे पहले क्या क्या चेक करना है और क्या क्या करना है मैं बताऊंगा आपको। वीडियो पूरा ध्यान से देखो। अब इधर का ग्रीस पास नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले ऐसा कोई भी नोकीला टूल्स लेके अंदर का जो हार्ड हुआ होता है वो निकालना है। हार्ड ग्रीस क्यों होता है, क्योंकि उसमें मिट्टी चली जाती, तो वो निकालना है, नहीं तो वही से मारोगे तो बुश भी खराब होगा और पिन भी खराब होगी। ये मटेरियल सब निकलना है पहले, छोटा सा काम है लेकिन बड़ा होता है बाद में। ये फ्रंट एक्सल है, फ्रंट एक्सल का नीचे का बुश है, अगर टाइम पे ये सब किया तो आपका बुश का वगैरह पूरा आगे का खर्चा बच जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये पूरा निकालना पड़ेगा, ये अंदर जाएगा तो आपका ग्रीस पास नहीं होने देगा, ये बहुत हार्ड रहते है, ये एमसील जैसा हो गया पूरा। तो फिर बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर लेके एक बार कुछ लोग इसमें ड्रिल भी करते हैं, लेकिन वो फायदा नहीं होता ड्रिल करके, क्योंकि अंदर पिन होती है, वो मटेरियल अंदर ही रहेगा, तो उससे कुछ फायदा नहीं है, आपका टाइम पास हो जाएगा। अभी ये लगभग पूरा मटेरियल निकल चुका है, एक बार हम तो इसको ग्रीस करके देखेंगे। ग्रीस निपल देखो, ग्रीस निपल पहले टाइट करके लेंगे, क्रॉस बिटाना नहीं है, ये भी बात ध्यान में रखो, नहीं तो कुछ फायदा नहीं। बस का ये आप देख सकते हैं ग्रीस हो चुका है अच्छी तरह से, नीचे से भी आया है और ऊपर से भी आया है, इसका मतलब सिर्फ छोटा सा काम था, उसके अंदर का जो ग्रीस था, जो जाड़ा हुआ था, जो उसको निकाला और आपका ग्रीस पास हो गया। ऐसा लोगों को लगता है ये बहुत ही छोटी जानकारी है जो मैंने अभी आपको बताई, लेकिन इससे आपके सालाना 50 से 60 हजार रुपए बच सकते हैं। जो आप काम हर साल में चेंज करते हो बुश पिन, अगर वो 2 या 3 साल में करोगे तो मालिक का अच्छा खासा पैसा बचेगा और आपका भी टाइम बचेगा, आपका भी पेमेंट टाइम पे टू टाइम हो जाएगा। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।